नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चार धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्री धाम को, जो धाम चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहलाया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी बद्रीनाथ धाम की, जहां आजकल तीर्थ यात्रियों के लिए 6 महीनों के लिए कपाट खुले हुए हैं। हालांकि 20 नवम्बर को 7:45 पर भगवान नारायण जी के कपाट शीतकालीन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि जैसे जैसे बद्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, ऐसे में बद्रीनाथ में इस वक्त काफी संख्या में तीर्थयात्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस वक्त चारों तरफ बोल बद्री विशाल जी के जयकारों से गूंज रहा है पूरा बद्रीपुरी। गौरतलब है कि सुबह 4 बजे हर दिन भगवान नारायण जी का स्नान एवं श्रृंगार किया जाता है और सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार लग जाती है, जो कि सायंकाल के समय तक काफी संख्या में बढ़ जाती है। बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों के पहुंचने से होटल कारोबारियों में एवं छोटे मोटे कारोबारियों में इस वक्त खुशी की लहर है। हालांकि चार धाम की यात्रा अब धीरे धीरे समापन की ओर है। बद्रीनाथ 20 नवंबर को सुबह 7:45, केदारनाथ 6 नवंबर 8 बजे, यमुनोत्री 6 नवंबर 12:15 और गंगोत्री 5 नवंबर 12:15 पर शीतकालीन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन इस वक्त चारों धामों में सबसे ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ में ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ में थोड़ी बहुत ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था इस वक्त भारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार बद्री विशाल के दर पर कैसे इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु। देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं इस वक्त बद्रीनाथ पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें यहां पर पहुंचने से काफी अच्छा महसूस हो रहा है और वो इस पावन भूमि पर हर साल पहुंचेंगे। बद्रीनाथ में दशहरे के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ी है। अब तक 83,503 यात्रियों द्वारा दर्शन किए जा चुके हैं। रविवार को सबसे ज़्यादा 7,248 यात्रियों द्वारा दर्शन किए गए हैं।